जननायक जनता पार्टी की ओर से पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि के अवसर पर मेरठ रोड स्थित देवीलाल की प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ताऊ देवीलाल हर वर्ग के लिए हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रदेश में युवाओं को 75% रोजगार देने का जो वादा पूरा किया है वह बेहद ऐतिहासिक है और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में करनाल में भी उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर जननायक जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जननायक जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर जननायक जनता पार्टी के सभी पूर्व विधायक, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए, चरणों में नमन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिनको आज सारे देश में पूजा जाता है, चाहे राजघाट पे पूजा पाठ का आयोजन हो, चाहे देश की पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के परिसर के अंदर उनका स्टैचू लगा हुआ है, वहाँ पर माल्यार्पण किया जाता है और हरियाणा के प्रत्येक जिले में सभी साथी, जेजेपी पार्टी और सभी सामाजिक संस्थाओं के लोग इकट्ठे होकर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के चरणों में नमन करते हैं। इसके अलावा पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, सारे देश में पूजा जाता है। अगर चौधरी देवीलाल जी के जीवन का वृतांत करेंगे तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। हम तो आज के दिन सभी इस बात की प्रेरणा लेकर के जाते हैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से कि उन्होंने मानव कल्याण के लिए कितने कार्य किए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था। और हमारे आदर्श जननायक जनता पार्टी के संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बड़े सहनशील, नम्र और हर किसी काम में, दुख सुख में शामिल होने वाले और उन्हीं के आशीर्वाद में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने, जिन्होंने छोटी सी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने थे और वहाँ पे भी इस नाम को बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद आज युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 1.25 साल के अंदर 500 रुपये पेंशन बढ़वाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया, कई लड़कियों को, बेटियों को राशन डिपू देने की बात, पंचायतों में अधिकार देने की बात। तो ये सारी की सारी प्रेरणा चौधरी देवीलाल से मिली है। और जो सबसे बड़ा कार्य मेरे साथी नरेश जी बता रहे थे कि 75% युवाओं को रोजगार, ये इतना बड़ा काम, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और परिवार का विकास होगा, हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। इसके अलावा ग्रामीण अंचल में बड़े हमारे मधुरभाषी हैं दुष्यंत चौटाला जी, हाजिर जवाब हैं और किसानों के लिए अच्छी सोच लेकर चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब के चरणों में नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। किसान मसीहा व गरीबों के मिशा थे, वो हमेशा ही दबे कुचले गरीब आदमियों के उत्थान के लिए सोचते रहे हैं। जितनी भी कल्याणकारी नीतियाँ उन्होंने, चाहे अपोजिशन में हो या अपने सरकार में हो, हमेशा किसान और गरीब आदमी के तबके के लिए जो है उन्होंने काम किया। कितनी कल्याणकारी नीतियाँ हैं जो चौधरी देवीलाल जी ने इस जनमानस को दिए हैं। मैं तो ज़्यादा न कहते हुए यही कहता हूँ कि चौधरी साहब ने हमेशा एक गरीब तबके की लड़ाई जो है आज लड़ी है और उन्हीं की नीतियाँ पर दुष्यंत चौटाला जी जो है उनका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं
जितना भी कहूँ चौधरी देवीलाल जी के बारे में उतने ही शब्द कम हैं। आज हमारे लिए जो यहाँ पर पुण्यतिथि पर चौधरी देवीलाल जी के इकट्ठे हुए हैं, उनका सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा। चौधरी देवीलाल जी जो 36 बिरादरी के नेता थे, केवल हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सर्वमान्य नेता रहे हैं, और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय पूजनीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी अनेकों अपने जनहित के कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर करने में लगे हुए हैं। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए हर वर्ष 6 अप्रैल को इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पुण्यतिथि मनाई जाती है और आगे भी मनाई जाती रहेगी। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक नारा लगाना चाहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।